हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे संधि शारीर। तो पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको अगर ये हो सके तो ये कोटेशन याद कर लेनी है। इसमें क्या दे रखा है, येन अस्थि परवाणी वा संयोज्यते संधि बंधे ही स अवयव विशेष संधि इति उच्यते। यानी कि यहाँ पे अस्थि परवाणी यानी कि आर्टिकुलर पार्ट और सरफेस, मतलब एक बोन की आर्टिकुलर सरफेस दूसरे बोन की आर्टिकुलर सरफेस के साथ मिलकर जो स्पेशल फीचर्स बनाते हैं उसको हम बोलेंगे संधि। वन आर्टिकुलर पार्ट और सरफेस ऑफ बोन विच आर्टिकुलेट अनदर पार्ट ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अदर बोन एंड दे मेक अ स्पेशल फीचर्स विच नोन एज संधि, उसको क्या बोलेंगे हम, संधि। तो ये हो गई संधि की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे रिलेशन ऑफ संधि विथ दोष धातु एंड स्त्रोतस। दोष के हिसाब से देखें तो कफ, लेकिन कौन सा कफ, श्लेषक कफ, क्योंकि वो उसका लोकेशन ही है संधि। धातु में क्या है, मांस। मांस में क्या दे रखा है, मांसे अक्षिग्लानि स्फिक शुष्कता संधि वेदना। यानी कि जो मांस धातु है उसका जो क्षय है उसके लक्षण में ये श्लोक दे रखा है कि मांसे अक्षिग्लानि स्फिक शुष्कता संधि वेदना। संधि वेदना यानी कि जॉइंट पेन। और इसका रेफरेंस आपको, ये कोटेशन है, इसका रेफरेंस आपको मिलेगा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11वें चैप्टर में जो 18 नंबर का कोटेशन है वो है। फिर स्रोतस में देखें तो ये मज्जावाह स्रोतस में आएगा, क्यों, क्योंकि उसका मूल है अस्थि और संधि। तो हो गया संधि के साथ रिलेशन दोष धातु और स्रोतस का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ संधि अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, मतलब मूवमेंट के अकॉर्डिंग संधि के जो प्रकार है वो देखेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम मूवमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। संधयस्तु द्विविधा चेष्टावंतः स्थिराश्च, यानी कि संधि दो तरह की होती है, एक तो चेष्टावंत होती है और दूसरी स्थिर होती है। चेष्टावंत, चेष्टा यानी कि मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट हो सके वो, और स्थिर यानी कि जो मूवमेंट ना कर सके, इमूवेबल हो वो। शाखासु हन्वो हो कटियाम च चेष्टावंतु संधयः, मतलब जो शाखा के जो भी संधि है, फिर हन्वो यानी कि हनु संधि जो टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट है वो, और कटियाम यानी सेक्रोइलियक जॉइंट है वो, तो ये सब जॉइंट है वो चेष्टावंत यानी कि मूवेबल है। शेषास्तु संधयः सर्वे विघ्नेया ही स्थिरा बुधे ही। शेष यानी कि इससे जो बाकी बचते हैं, जो रिमेनिंग जॉइंट है वो सब किस में आएंगे, स्थिर में आएंगे। और इसका रेफरेंस क्या है, सुषुत शारीर स्थान। अकॉर्डिंग टू मूवमेंट संधि इज क्लासिफाइड इन द टू टाइप, चेष्टावंत और स्थिर। चेष्टावंत यानी कि मूवेबल और स्थिर यानी स्टेबल। ऑल द शाखा संधि, अब शाखा संधि में कितनी आएंगी, मणिबंध आएगा यानी कि रिस्ट जॉइंट, कुरपर यानी एल्बो जॉइंट, जानू यानी नी जॉइंट, गुल्फ यानी एंकल जॉइंट, कक्ष यानी कि शोल्डर जॉइंट और वक्षण यानी कि हिप जॉइंट। हनु संधि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, कटी संधि यानी लंबो सेक्रल जॉइंट आर चेष्टावत। फिर है अदर देन द अबव मेंशन संधिज आर नोन एज स्थिर संधि, मतलब ऊपर जो भी मेंशन किए गए हैं उनके अलावा जो भी संधि बची है वो किस में आएंगे, स्थिर संधि में यानी कि इमूवेबल जॉइंट में आएंगे। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रचना, रचना के अकॉर्डिंग इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्या दे, पहले कोटेशन दे रखी है वो भी, उसका रेफरेंस भी है सुषुप्त शारीरिक स्थान। तो उसमें क्या दे रखा है कि स एते संधयो अष्टविधाः कोर उल्लुखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल संखावर्ताः। यानी कि अकॉर्डिंग टू रचना देर आर 8 टाइप्स ऑफ संधि, अकॉर्डिंग टू रचना 8 तरह की है और मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखे तो 2 तरह की है, ये आपको याद रखना है। 8 तरह की कौन सी, कोर उल्लुखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल और शंखावर्ता। तो इसमें हम पहले देखेंगे कोर संधि। तो कोर संधि होती है
वो कैसी होती है, उसकी जो मूवमेंट रहती है वो यूनिएक्सियल या फिर मोनोएक्सियल रहती है, मतलब एक ही प्लेन में वो मूवमेंट कर पाती है। और उसके एग्जांपल देखें तो तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू कुर्परेशु कोराहा संधयः, मतलब कोर संधि में कौन कौन आएगा, अंगुली यानी कि इंटरफेलेंजियल जॉइंट, फिर आएगा मणिबंध यानी कि रिस्ट जॉइंट, गुल्फ यानी एंकल जॉइंट, जानू यानी नी जॉइंट और कुर्पर यानी एल्बो जॉइंट, ये सब किस में आएंगे, कोर संधि में। उल्लूखल में देखें तो वी कंपेयर इट विथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच कंजिस्ट ऑफ अ बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बोन फिटेड इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन, मतलब जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं ना, इसमें ये आएंगे उल्लूखल संधि। कैसे, जैसे एग्जांपल देखें तो कक्ष वंक्षण दशनेशु उल्लूखला, कक्ष यानी शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में क्या रहता है, बोल क्या होगा, हेड ऑफ फीमर, और सॉकेट क्या होगा, हेड ऑफ फीमर किस में फिट रहेगा, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला बोन। और वंक्षण यानी कि हिप जॉइंट में देखें तो इसमें क्या रहता है, बोल क्या रहेगा, हेड ऑफ द फीमर, वो किस में आर्टिकुलेट होगा, एसिटाबुलम में आर्टिकुलेट होगा ना, तो वो किस में आएगा, वंक्षण, लेकिन वो किस तरह का है, उल्लूखल, क्योंकि उसमें शेप कैसा रहता है, बोल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट। दसन यानी कि टीथ इन गम्स, ये भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो आपको ये दो पता चल जाएंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि दशन किस में आएगा, उल्लूखल संधि में। और अगर हम थोड़ा इसमें डीप जाए तो ये तो शेप के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हम मूवमेंट देख ले तो कक्ष और वंक्षण ऊपर क्या था, सब यूनिएक्सियल मूवमेंट कर रही, ये ट्राइएक्सियल यानी कि फ्लेक्सन एक्सटेंशन भी करते हैं, एबडक्शन भी करते हैं, एडक्शन भी करते हैं, रोटेशन और सर्कमफ्यूजन भी करते हैं, तो ये सभी किस में आएंगे, उल्लूखल संधि में। तो ये हमने क्या, आज हमने क्या क्या देखा, संधि की डेफिनेशन देखी, फिर संधि का दोष धातु और स्रोतस के साथ रिलेशन देखा, फिर टाइप्स ऑफ संधि देखी अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट दो तरह की होती है, चेष्टावंत और स्थिर, चेष्टावंत में तीन आता है, शाखा की जो भी संधियाँ है वो हनवो और कटी, हनु यानी कि टेम्पोरोमेंडिबुलर जॉइंट और कटी यानी कि लंबो सेक्रल जॉइंट। और शाखा में कौन सी आएगी, मणिबंध कुर्पर जानू गुल्फ कक्ष और वंक्षण। फिर हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू रचना यानी कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फिर शेप, तो वो आठ तरह की है, कोर उल्लूखल सामुद्ग प्रतर तुन्नसेवनी वायस्तुन मंडल और शंखावर। उसमें हमने कोर देखा जिसके एग्जांपल है अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू और कुर्पर, और उल्लूखल में बोल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट रहता है, कक्ष वंक्षण और आपको क्या याद रखना है, दशन, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।